आप में हिम्मत नहीं है सुहेल साहब, बुजदिल हैं आप, बुजदिल। जिस तरह सारी जिंदगी उस किंजा ने आपको गुलाम बना के रखा, आपके साथ नौकरों वाला सलूक किया, इसी तरह बिजनेस पे भी आपके भाई का कब्जा है। घर में आप उस किंजा के नौकर हैं और ऑफिस में उस तैमूर के। आप जानते हैं कि उनकी नजर में आपकी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं है। भाई, अपने भाभी से बात की? तो सुनने को तैयार ही नहीं। इस तरह कभी रिएक्ट नहीं करती हूं। कई बार माफी मांग ली मैंने उससे, हाथ तक छोड़ लिए मैंने, और उसका दिल तो जैसे पत्थर का हो गया। फिर अब क्या करना? वही करना पड़ेगा जो वो चाह रही है। मतलब? वकील साहब को फोन किया है मैंने, वो आते हैं तो उनसे तलाक के कागजात तैयार करने को कहता हूं। शहनाज बाजी। जी फलक बीबी। खाना बिल्कुल बन गया, प्लीज भाभी से पूछ ले मैं खाना लगा दूं, साथ रोटियां बना देती हूँ। आज तो अली बाबा भी स्कूल से लेट हो गए हैं। ड्राइवर तो वक्त पे चला गया था लेने के लिए, बस आने ही वाले होंगे। मुझे लगता आ गए, अब भाभी से पूछ के आए। भाई एक दफा फिर से सोच ले ना करें शिपासी। तुम्हें क्या लगता है तैमूर कि मैं इतना बड़ा कदम बगैर सोचे समझे उठा रहा हूं? मैं करता हूं ना भाभी से बात, किसी की भी नहीं सुनेगी तैमूर। सुबह जिस तरह उसने रिएक्ट किया है मेरे साथ, तो क्या उसने अली को भी इतनी बुरी तरह झिड़क दिया है कि हेलो। हाँ तो फिर क्या कि अली क्या हुआ भाई? तैमूर वो अली क्या हुआ अली को? ड्राइवर गया था अली को स्कूल लेने के लिए, वो कहीं भी नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? स्कूल से कहाँ जा सकता है वो? यार सारा स्कूल देख लिया, वो वहां नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन स्कूल की सिक्योरिटी छोड़ के कहाँ जा सकता है? ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं जाके देखता हूं। नहीं नहीं तैमूर, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, यहाँ इस तरह बैठकर मुझे चैन नहीं मिलेगा। सुरेश साहब परेशान ना हो, अल्लाह सब खैर करेगा, बच्चा वही होगा। असल में बच्चे अक्सर ये करते हैं कि स्कूल टाइम के बाद खेलने के लिए रुक जाते हैं, वो भी वही होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो वकील साहब। अली ने पहले कभी भी ऐसी हरकत नहीं की है, स्कूल टाइम के बाद फौरन वो बाहर आ जाता है।